내가 이제 이런 말씀 좀 많이 하고 그래서 앞서 말고 그리하고 어드바이스 나서 저 두띠 가 죽어 और अभी जो है 8:40 हो चुके हैं, तो 10 बजे जो अपना ट्यूशन है, तो इतने रश बस अंदर एसी वाले रूम में ही रेस्ट करेंगे। अभी किचन में मम्मी बना रही है ककड़ी की सब्जी, तो चलते हैं अंदर। भाई जब मम्मी जो है किचन में रोटी बना रही है, तो उसके बाद खाएंगे खाना, फिर ट्यूशन चलेंगे, टाइम भी होने वाला है बस। सो गाइस खाना आ चुका है, खाने में रोटी, ककड़ी की सब्जी और लस्सी, तो करते हैं खाना शुरू। सो गाइस खाना खा के ट्यूशन के लिए रेडी हो चुका हूँ। ये खड़ी अपनी स्कूटी, अभी मम्मी आ रही है, फिर स्कूटी बाहर निकाल लेंगे। और मेरे को जो है रस्ते में थोड़ा सा सामान भी लेना है, हॉलीडे होमवर्क का कोई चार्ट वगैरह है वो लेने हैं, तो अब चलते हैं। गाइस स्कूटी बाहर निकाल चुका हूँ और मम्मी जो गेट में खड़ी है, ये इसको दिखाता हूँ, ये रही गाइस मम्मी, तो अब चलते हैं ट्यूशन। गाइस अभी आया हूँ स्टेशनरी पर, कलरफुल A4 साइज शीट लेने और चार्ट भी लेने, तो गाइस सारा सामान ले चुके हैं, अब चलते सीधा ट्यूशन पे। गाइस ट्यूशन पहुंच चुके हैं, ये रही मम्मी, मेरी साथ में सामान है, तो गेट पर मैं थोड़ी सी बनाऊंगी, अब चलते हैं अंदर और करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। सो गाइस फाइनली छुट्टी हो चुकी है और मम्मी का मन नहीं कर रहा था स्कूटी लेके आने का, तो अभी मैं तो आज फिर ऑटो में जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी जो है दिन के 1:30 बज चुके हैं, आज इतनी धूप भी नहीं है, छाया ही है लगभग, तो जल्दी जल्दी चलते हैं रोड पे अब। सो गाइस रोड पर पहुंच चुके हैं, अब करते हैं ऑटो, और धूप भी आ गई है वापस से, तो जल्दी से ऑटो करते हैं, चलते हैं घर पे। सो गाइस ऑटो से उतर चुका हूँ, अपनी लेनी वाली गली में आ गया हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जल्दी से चलते हैं घर पे। सो गाइस घर पहुंच चुके हैं, और रखते हैं बैग को, चलते हैं अंदर रेस्ट करते हैं, पापा भी घर पर हैं, मम्मी घर पर ही है। अभी जो है मम्मी ने मुझे बताया कि आज जो है वापस से वहीं जो मंदिर अपना भोलेनाथ जी का, वहां पर जो है धूप मारने जा रहे हैं सभी, मम्मी पापा और मैं तीनों, तो यहाँ से जो 3:30 बजे निकलेंगे, 3 बजने वाले हैं अभी, 2:50 हो चुके हैं, तो मम्मी कहती जान से पहले जो खाना खा ले, उसके बाद तो वहाँ पर पहुँच कर ही जो है गोलगप्पे खाएंगे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही। सो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने शॉप से कुछ जाके ले आता हूँ, कुछ खा लूँगा, उसके बाद जो है आते हुए लेट हो जाएंगे, तो अभी आते हुए दूध भी ले आऊँगा। तो गाइस शॉप पर पहुँच चुके हैं, शॉप पर अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, ठीक हो? गाइस सारा सामान लेके घर आ चुका हूँ, तो अभी जो है फोन को 15-20 मिनट बचे, इतने चार्ज लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। गाइस सारी तैयारियाँ हो चुकी है और पापा जो है अभी गाड़ी निकाल रहे हैं। गाइस पापा तो बाहर वेट कर रहे हैं गाड़ी में, और मम्मी जो है अंदर अपने फोटो खींचने में लगी हुई थी मस्त, तो अभी बुला के लाया, मैं देखा इनको, इनका चेहरा देखो फोटो खींचने के बाद। सो गाइस अभी टोल टैक्स पर रुके हैं, सो गाइस फाइनली टोल पास हो चुके हैं, अब चलते हैं वापस। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर, करते भगवान जी की पूजा। गाइस भोलेनाथ जी की अच्छे से पूजा हो चुकी है, सभी शिवलिंग पर दिए लगा दिए, और अच्छे से जो है सभी पर फल रख दिए इधर भी, और अभी जो है यहाँ पर जो दूसरा मंदिर है, जगह जगह पर शिवलिंग रखे, तो वहाँ पर चलते हैं। जय भोलेनाथ जी की, जय भोलेनाथ जी की। गाइस ये जो था तीसरा मंदिर था, और ये जो लास्ट मंदिर है,
यहाँ पर पूजा करते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की। तो गाइस फाइनली पूजा जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब गाड़ी में बैठ चुके हैं मम्मी, तो अब चलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। गाइस गोलगप्पे खाने आ चुके हैं। सो गाइस गोलगप्पे खा चुके हैं, वॉइस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। सो गाइस वापस से टोल पर पहुँच चुके हैं और अभी जो है टोल कटे उसके बाद चलेंगे। गाइस टोल पे हो चुका है। सो गाइस हिसार में एंट्री हो चुकी है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं, पुल पर है अभी। तो गाइस फाइनली घर पहुँच चुके हैं। भाई इतनी तेज हवा चल रही है, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है। पापा जो है अभी शायद से वापस से थोड़ी देर मटका चौक बूथ पर जाएंगे या पैदल घूमने, तो फिलहाल अंदर चलते हैं। सो गाइस फाइनली अंदर आ चुके हैं। और गाइस अभी जो है आंटी आने की कह रही थी, तो हमें उन्होंने मैसेज पर तो मैंने कह दिया कि चलो आ जाओ। तो अभी वो है ना पकौड़े लेकर आ रही है मम्मी को, इस बात का अभी तक कोई पता नहीं है। तो गाइस आंटी जी आ चुकी है पकौड़े लेकर। आपका चेहरा खराब आ रहा है, लाइट में आओ थोड़ा। तो गाइस आंटी जी पकौड़े लेकर आई है, तो अभी पकौड़े खाते हैं। सो गाइस पकौड़े खा चुके हैं और अभी आंटी और मम्मी का चाय पीने का मन है, तो आज फिर से जो है मैं चाय बना रहा हूँ यहाँ पर। 5 मिनट या 10 मिनट कुछ जो है चाय बनने में लगेगी, उसके बाद डाल कर दे देंगे। तो गाइस चाय रेडी हो चुकी है, अब देख कर आते हैं। गाइस अभी जो है आंटी जी जा रही है घर पे, ये आ गई आंटी जी। तो अभी पापा अभी तक आए नहीं है भाई, 9:15 हो चुके। सो गाइस पापा तो पता नहीं कब आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग वगैरह एडिट कर लूँगा इतने। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। आई होप आपको आज व्लॉग मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।